गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर एम इमरान सर आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 8, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम If we divide a polynomial f of x by x minus alpha, then remainder will be obtained as f of alpha। एक उदाहरण ले लेते हैं। से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, then remainder equal to question mark। तो हम लोग ये क्या करना होगा students, x minus 1 equal to 0 put करना होगा और यहां से x की value निकालेंगे। तो x का value कितना हो जाएगा students, देखिए 1। अब यहां से हम लोग f of 1 निकालेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, remainder। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 3। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर कितना निकल गया, रिमाइंडर आ गया माइनस 3। रिमाइंडर कितना हो गया देखिए माइनस 3। अब से हम लोग जनरल मेथड से इसे सॉल्व करें तो जनरल मेथड क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए कन्वेंशनल अप्रोच। तो हम लोग बचपन में सिखाया गया था कि x माइनस 1 से डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस किसको, 1 को, प्लस 1। इसके फैक्टर को 1 बनाना पड़ेगा, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 1। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 4, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये दोनों कैंसिल और यहां से रिमाइंडर अभी भी कितना आ रहा है देखिए माइनस का 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पे इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाए स्टूडेंट देखिए 0, देन fx is completely divided by
डिवाइडेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स माइनस अल्फा इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी का स्टूडेंट हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए? फैक्टर थ्योरम। इसे हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। एफ ऑफ अल्फा का मान कितना होगा इसमें बताइए? जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करते हुए इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, या इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले एक को फंक्शन मान लेते हैं और एक को जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो एक को हम लोग एफ ऑफ एक्स मानते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस नीचे वाला को एफ ऑफ एक्स मानते हैं, तो टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस का ए प्लस का बी माइनस का 1। अब जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स उस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। इसका स्टूडेंट्स फैक्टर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स एक्स प्लस का 3 और सेकेंड एक्स माइनस का 2। अब स्टूडेंट्स यहां पे दिया जा रहा है कि g ऑफ x जो है वो इसके फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना नजर आएगा? माइनस का 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि x ऑफ 2। अब ये दोनों एक्सप्रेशन, ये जो दोनों है वो इसके फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड f ऑफ 2 इक्वल टू भी कितना होगा? 0। अब सबसे पहले f ऑफ माइनस 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे माइनस 3 इसके अंदर पुट किया जाएगा तो 2 इंटू माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस माइनस 3 क्यूब माइनस का a इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस का b इंटू माइनस 3 प्लस का a प्लस का b माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस का 2 टू द पावर 3 माइनस का a इंटू 2 स्क्वायर प्लस का b इंटू 2 प्लस a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0।
जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन हमें दिखाई देगा। फर्स्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4a प्लस बी, 4a प्लस का b इक्वल टू 67, और इससे बनेगा स्टूडेंट्स a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग हमें a का वैल्यू दिखाई देगा 16 एंड b का वैल्यू दिखाई देगा 13, a b का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 16 एंड b का वैल्यू 3। ये स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए प्लस टू बी इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ए प्लस टू बी, एंड एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस का 32 बी टू द पावर 4 प्लस का ए क्यूब प्लस का बी इंटू के प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये इसके फैक्टर हैं, यानी जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो जब पुट करेंगे तो यहां से देखिएगा कि ए प्लस टू बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हैं ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2b। अब इस वैल्यू को उठाना है और जब आप पुट करेंगे f ऑफ a तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब f ऑफ a हम लोग पुट कर लेते हैं, a की जगह माइनस 2b टू द पावर 4 प्लस 32 b टू द पावर 4 प्लस एक जगह माइनस टू बी टू द पावर 3 इंटू बी इंटू के प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इसे लिखा जा सकता है फ्रेंड्स ऑन सिंप्लीफाइंग, इसे लिखा जा सकता है 8 बी टू द पावर 4 इंटू 3 माइनस के इक्वल टू जीरो। आप यहां से स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि b डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो 3 माइनस k इक्वल टू कितना होगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि k का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 3। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स k का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3। k का वैल्यू हो गया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू जीरो। तो C और D इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट्स सी एंड डी है। दिस इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स माइनस सी और एक्स माइनस एक्स माइनस डी। फैक्टर की तरफ फॉर्म में लिख दिया गया इसे। अब यहां से स्टूडेंट्स हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस का के। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस इक्वेशन के रूट्स सी एंड डी है तो इसे इस फॉर्म में लिखा गया है। अब यहां से आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के फैक्टर कौन कौन है। देखिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यहां से स्टूडेंट्स हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं क्लियरली कि ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के, और इस तरह से ये इक्वेशन हमारा क्या होता है स्टूडेंट बताइए, प्रूफ हो जाता है। ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कुछ गिवन इलस्ट्रेशन है जो हमें करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि गिवन दैट एक्सप्रेशन 2x³ प्लस का 3px² माइनस का 4x प्लस पी हैज रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस गिवन एक्सप्रेशन को जो कि लिखा हुआ है fx इक्वल टू, मान लेते हैं 2x³ प्लस का 3p इंटू x² माइनस का 4x प्लस का p। यदि fx को स्टूडेंट्स डिवाइड किया जाता है gx से, जो कि gx का वैल्यू कितना है उसमें देखे, तो gx इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस टू। जब इसको डिवाइड किया जाता है देन रिमाइंडर रिमाइंडर हमारा आता है कितना है उसमें देखे, 5। तो आप इसे स्टूडेंट्स क्लियरली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू 5, एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू 5 फैक्टर थ्योरम से लिखा है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, तो एफ ऑफ माइनस टू निकालते हैं तो 2 इंटू माइनस टू टू द पावर 3 प्लस का 3 इंटू पी इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू माइनस टू प्लस पी इक्वल टू 5। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 16 प्लस का 12 पी प्लस का 8 प्लस का पी इक्वल टू 5। आप क्लियरली देख सकते हो ये हो जाएगा 13 पी माइनस का 8 इक्वल टू 5। तो यहां से स्टूडेंट्स क्लियरली लिखा जा सकता है 13 पी इक्वल टू 13। सो पी इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट देखिए, पी इक्वल टू 1। पी इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके स्टूडेंट्स, पी इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एक्स प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स प्लस 1 टू द पावर 7 प्लस 2x प्लस के टू द पावर 3। इसे डिवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स से, जिसकी वैल्यू है एक्स प्लस 2। अब कहा गया है स्टूडेंट्स कि जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ, जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स
दिस इंप्लाइज दैट कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे तो यहां से एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया इसमें देखें माइनस टू, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ माइनस टू यानी एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस वन टू द पावर सेवन प्लस टू इंटू माइनस टू प्लस के टू द पावर थ्री इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस वन टू द पावर सेवन डेट इज माइनस वन प्लस के माइनस फोर टू द पावर थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है के माइनस फोर टू द पावर थ्री इक्वल टू वन, इस क्यूब को इधर लेके आएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो के माइनस फोर वन का क्यूब रूट, तो वन का क्यूब रूट कितना होगा इसमें देखिए वन, आप क्लियरली देख सकते हो k माइनस फोर इक्वल टू कितना गया वन, दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू कितना हो गया देखिए फोर, k इक्वल टू हो गया फोर, k इक्वल टू फोर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x plus 1 is the factor of itna and find the remainder factor for this value of p. तो हम लोग स्टूडेंट्स इसे सॉल्यूशन करेंगे तो लिखा जाएगा कि f of minus 1 equal to 0, इसे स्टूडेंट्स हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा f of x लिखा हुआ है, तो minus 1 to the power 4 plus का p minus 3 into minus 1 to the power 3 माइनस का 3p माइनस 5 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2p माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस का p माइनस 3 प्लस माइनस 3p माइनस 5 माइनस 2p माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस p प्लस 3 माइनस 3p प्लस 5 माइनस 2p प्लस का 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब p के सारे टर्म को एक तरफ एक जगह पे करेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट्स p 3p तो माइनस का 4p माइनस का 2p तो माइनस का 6p। अब 1 ये 4 हो गया, 4 प्लस 5 यानी 9, 9 9 18, 18 प्लस 6 18 प्लस 6 24, तो प्लस का 24 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कि p का वैल्यू यहां से आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स कितना आएगा 4, तो p का हमारा वैल्यू निकल के आ गया स्टूडेंट्स कितना देखिए 4। ओके तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स प्लस वन, देन फाइंड द कंडीशन कि किस कंडीशन पे ये इसका फैक्टर हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स क्या हो सकता है। इफ इतना इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन देन फाइंड द कंडीशन, किस कंडीशन पे ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। यहां से स्टूडेंट्स हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें तो एक्स का वैल्यू होगा माइनस ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स माइनस ए
प्लस माइनस रूट अंडर ए माइनस टू इंटू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। इस पूरे एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग दो पार्ट कहेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे अल्फा एंड दूसरे को बोलेंगे स्टूडेंट्स की देखे बीटा, जहां पे अल्फा इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस रूट अंडर ए माइनस टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, एंड बीटा होगा स्टूडेंट्स माइनस ए माइनस रूट अंडर ए माइनस टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। तो इस गिवन फंक्शन को स्टूडेंट्स, इस गिवन एक्सप्रेशन को जो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस वन है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन एक्स क्यूब प्लस का सिक्स एक्स प्लस का सी, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। अब इसका जो फैक्टर होगा स्टूडेंट्स, इसके ये जो टर्म है, ये तभी इसका फैक्टर होगा जब एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो हो। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ अल्फा एंड सेकेंड टर्म कि एफ ऑफ बीटा भी कितना हो जाए जीरो, तब इन दोनों का शंस मिला करके लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको जब इससे डिविजिबल किया जाता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इतना इज डिविजिबल बाय इतना, दैट इज कि एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि वन टू द पावर थ्री माइनस का थ्री वन स्क्वायर प्लस का टू इंटू वन प्लस का ए इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट वन माइनस थ्री प्लस का टू प्लस ए इक्वल टू जीरो। यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया इसमें देखे जीरो। इसी में स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, जब इतना इज डिविजिबल बाय इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू कितना आएगा इसमें देखे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू। तो इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा गिवन फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, जब ए का मान जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स के पावर थ्री माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स। अब यहां से स्टूडेंट्स जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस टू के पावर थ्री माइनस का थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस का टू इंटू माइनस टू, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स माइनस एट माइनस का ट्वेल्व माइनस का फोर। यहां से वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 24। तो ये स्टूडेंट्स इस फंक्शन का रिमाइंडर रहा। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कि इफ एफ एक्स इतना इज डिविजिबल बाय इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक्स के यहां से दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक जीरो और एक वन। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू भी कितना होगा इसमें देखे जीरो। तो एफ ऑफ जीरो जीरो पुट करने से स्टूडेंट्स
ये बन जाएगा सिंपल b इक्वल टू जीरो। तो b का एक वैल्यू कितना हो गया इसमें देखिए, जीरो। एंड f ऑफ वन, जैसे वन पुट करेंगे तो ये हो गया वन, फिर वन, फिर प्लस का a, प्लस का b इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमारे कैंसिल हो गया और ए बी का वैल्यू जीरो है, तो ए का वैल्यू अपने आप कितना हो गया इसमें देखिए, जीरो। ए का वैल्यू भी जीरो एंड बी का वैल्यू भी कितना हो गया इसमें देखिए, जीरो। ए का वैल्यू जीरो एंड बी का वैल्यू भी कितना हो गया, बी का वैल्यू भी हो गया जीरो। ए का वैल्यू भी जीरो एंड बी का वैल्यू भी कितना हो गया इसमें देखिए, जीरो। तो रिक्वायर्ड जो फंक्शन बच रहा है वो रिमेनिंग फंक्शन जो बच रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी। जब ये दोनों वैल्यू जीरो होंगे तो जो हमारा फंक्शन बचेगा एफ ऑफ एक्स वो सिंपली बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे स्टूडेंट्स हमें निकालना है एफ ऑफ टू का वैल्यू। तो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें देखे, टू के पावर थ्री माइनस टू का स्क्वायर, डेट इज एट माइनस फोर इक्वल टू फोर। एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना आ गया इसमें देखे, फोर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सब क्वेश्चन को क्लियरली समझ गए होंगे। जहां भी अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियोस को रिवाइंड करें और उसे ध्यान पूर्वक देखें, ओके, प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो आपको उसे डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।